अभी तक तो आपको सिर्फ 3-4 ही फ्लोर दिखाए हुए हैं, टोटल बोल रहे हैं 9 से 10 फ्लोर होने वाला, सबसे टॉप फ्लोर हम लोग मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल होने वाला है। और शाम के टाइम और इवनिंग के टाइम तो ग्रेविटी मोड लिखा हुआ उसमें लाइट दिया जा चुका तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस ग्रेविटी मॉल का आपको अपडेट देने वाले कंकड़बाग में हैं, और आपको बता दें बहुत तो एक कमेंट कर रहे थे कि भैया अंदर जॉब के लिए कुछ चाहिए या अपना कुछ खोलना है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर आके बात कर सकते हैं। मैनेजर यहाँ नीचे हमेशा बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग बात कर लिए वो आपको बता दें क्या चार्ज लगने वाला, कितना स्क्वायर फीट चाहिए, आपको सब कुछ बोलना पड़ेगा। मेरे बोलने पर वो नहीं होगा, वो बोले कि जिसको अपना कुछ यहाँ ओपन कर रहे हैं अगर खाली होगा तो उसको मिल जाएगा यहाँ पर आके बात कर लेने के लिए, नंबर वगैरह वो अपना नहीं देंगे। तो ग्रेविटी मॉल का गाइस काम देखिएगा बहुत तेज़ी से हो रहा है, देखिएगा बाहर का भी होने लगा है, कुछ टाइम पहले से काम रुका हुआ था, बहुत तेज़ी से हो रहा है काम। तो ग्रेविटी मॉल का काम बहुत जोरों पर है गाइस, मतलब समझिए आपको पक्का पर 100% बोल रहे हैं इस साल तक ये ओपन हो जाएगा। अंदर का काम लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको ड्रोन का शॉट्स दिखा रहा है कैसा लग रहा है, देखने में लगता है कितना खूबसूरत लगता है ये मॉल। और शाम के टाइम और इवनिंग के टाइम तो ग्रेविटी मॉल तो लिखा हुआ उसमें लाइट दिया जा चुका तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बट मेरे को सिर्फ एक ये चीज़ अच्छा नहीं है, रंग बिरंगा लाइट दे दिया ग्रेविटी मॉल का, उससे थोड़ा ये यूनिक है जो खत्म हो जाता है, लगता है कार्टूनी टाइप का है, तो कोई एक ही कलर में रखे तो ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, बच्चों के लिए कुछ भी है, मल्टीप्लेक्स सब कुछ यहाँ पर खुलने वाला। और PVR का बोर्ड जो कि हटा दिया गया है, PVR या हॉल सिनेमा खुलेगा बट उसमें टाइम लगेगा, मतलब ये मॉल खुल जाएगा तो आपको नहीं मॉल खुला और सिनेमा खुल गया ऐसा नहीं है, सिनेमा हॉल खुलने में कुछ आपको टाइम लगने वाला। अभी तक तो आपको सिर्फ 3-4 ही फ्लोर दिखाए हुए हैं, टोटल बोल रहे हैं 9 से 10 फ्लोर होने वाला, सबसे टॉप फ्लोर हम लोग मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल होने वाला है, और बच्चों के लिए जो गेमिंग जोन भी होने वाला है जैसे कि सिटी सेंटर में है वैसे होने वाला है। बट आपको एक जरूरी बात बता दें, सिटी सेंटर है उससे बड़ा ये मॉल बिल्कुल भी नहीं है, उसके सामने मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर ये मॉल पहले खुल जाता तो उसके सामने बोल सकते थे बड़ा मॉल है पटना का PN मॉल के बाद, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, सिटी सेंटर भी तो पटना पूरा बिहार में सबसे बड़ा मॉल सिटी सेंटर मॉल है। तो इधर से कैसे आप लोग करबगैया निकल जाइएगा, करबगैया इधर निकल जाएगा, इधर से आप लोग कॉमर्स कॉलेज निकल जाएगा और राजेंद्र स्टेशन यहीं पर बगल में आपको पड़ने वाला है। तो यहीं से बीच में सेंटर में अभी ये मॉल बन रहा है, ग्रेविटी मॉल बन रहा है जो कि अब लगभग समझिए कंप्लीट होने वाला, काम बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब कि लोग समझ लीजिए किस साल तक ये ओपन हो जाएगा, कौन सा महीना कौन सा डेट ये अभी बिल्कुल भी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से मैनेजर से पता किया तो बोले कि अभी कोई अभी आप डेट नहीं बता सकते बट कुछ महीने में ओपन होने वाला है जल्दी, मतलब समझिए 2-4 महीने के अंदर कंप्लीट हो। एक्सीलेटर वगैरह सब कुछ बन चुका, हल्का फुल्का काम बाकी है और लिफ्ट लगाना बाकी है, तो एक्सीलेटर लिफ्ट का समझिए हल्का फुल्का काम बाकी है, बाकी अंदर का पूरा इंटीरियर का डिजाइन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। शुरू लास्ट टाइम बहुत पहले आए थे तो सीढ़ी भी इनकम्प्लीट था, अब तो सीढ़ी में पूरा समझिए कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा देखने में खूबसूरत लगा। और आपको बता दें कि जब एंट्री करिएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक खुलने वाला शीशा वाला ग्लास रहता है डोर, वो लगाया जा चुका है और वो काम भी करता है, तो मतलब लोग बाहर गेट के बाहर खड़े ही जाएगा तो आप लोग दिखेगा कोई भी आ जा रहा है तो ऑटोमेटिक शीशा वहाँ से ओपन हो। चलिए गाइस, उस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते फिर अगले ब्लॉग में, तो करिए ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर, और भी नए नए अपडेट लेकर आते रहेंगे, और पटना को मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहता हूँ, फूड ब्लॉग वगैरह सब कुछ इस चैनल में आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो करें एक बार समझ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा मैं सिर्फ अपडेट का ब्लॉग बनाता हूँ, हर तरह से ब्लॉग होता है, तो सब्सक्राइब करने से पहले एक बार मेरे चैनल को जाकर विजिट कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।